अरे यार, जैसे किसी ने एवेंजर का बना दियो, कॉस्ट्यूम पहन रखी है। बिना मैंने करवाया ना करवाया, एक ही बात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात नहीं है, करवाया मैंने। दोस्त कह रहे हूँ मैं, है ना। सरप्राइज सरप्राइज। भाई रियान क्या कहता है, ये जो प्रोसेस भैया करवा रहे हैं ये हमें करवाना चाहिए क्या? ऐसे नहीं लग रहा भैया किसी ने पटाई कर दी हो। शेर के बच्चे हैं, दर्द तो खैर हम सही लेते हैं, बाकी रियान डरता है, रियान बच्चा है छोटा। एब्स दिखेंगे, एब्स। ये पूरी कमर ऐसी दिख रही होगी, बस क्या ही बताऊं, कुछ तगड़ा ही होने वाला है। यो अभी क्या लगा रहे हो भैया आप? अभी पानी है भैया। इसके अंदर ये जो ऊपर येलो कलर का है, ये नीडल है? नहीं, नीडल नहीं है भाई साहब, एयर लॉकिंग के लिए। अच्छा, एयर लॉकिंग के लिए मतलब। अच्छा, इसे अच्छा, ये जो भरा पड़ा, अच्छा ये खिंचाव हो रहा है, हाँ, इसको लॉक करके रखता है, इसे खींचेंगे हम, हाँ, एयर रिलीज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जाएगा। मुझे लग रहा था कि नीडल लगी हुई है। अच्छा, एक बात और पूछनी, जैसे कि इसके अंदर जो ब्लड निकलेगा अभी, वो कौन सा ब्लड है? वो एक्स्ट्रा ब्लड है, मतलब जो जाता है बॉडी में, अकड़ापन पैदा करता है। अच्छा, उस ब्लड को निकालते हैं, मतलब जो एक तरह से मान सकते हैं जो पस बना हुआ है। हाँ, अच्छा, अंडाकोण हो जाता है, जो सेल्स को डेवलप नहीं होने देता है। हाँ, उस ब्लड को निकालते। अब जैसे कि इस वाले में देख रहा हूँ मैं, थोड़ा ज्यादा मतलब डार्क हो रहा है इस वाले के मुकाबले, तो कोई डिफरेंस? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, जरूरी नहीं है कि रेड वाले में ज्यादा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब वो ज्यादा डार्क क्यों हो रहा है? मतलब कोई वो नहीं है, एयर की वजह से। अच्छा, मतलब यहाँ पे कम है फिलहाल? अभी कम नहीं है, यहाँ की जो मसल्स होती हैं काफी टाइट होती है। अच्छा, प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता, मतलब एग्जैक्टली मसल डिफरेंस है। हाँ, तो यहाँ की मसल क्या होती है, लूज होती है थोड़ी, टाइट होती है। यहाँ टाइट होते हैं, यहाँ लूज होते हैं। अच्छा, यहाँ की मसल देखिए आप कितनी टाइट है। हाँ हाँ, हाथ से पकड़ते हैं, यहाँ बहुत लूज है। हाँ, ये जो होती है। हाँ, अब इसमें भैया कॉटन का क्या काम होगा? कॉटन सफाई के लिए। अच्छा, मतलब जो मतलब इसमें ब्लड निकलेगा अभी? हाँ, उसकी सफाई के लिए। अच्छा, ये क्या है भैया? ये हमारा ब्लेड है। अच्छा, ब्लेड स्किन में पंचर करेंगे। अच्छा, इसे ब्लड निकालना। तो मतलब जो मेन है वो अब होगा भैया, अब आएगा मजा। अब दोबारा कब लगाएंगे भैया इसके ऊपर? सो भाई, ये मतलब पहले जो कप लगाए थे उसमें बना प्रेशर, और उसके बाद में तो इसमें पहले ब्लेड से छोटे 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 छेद से करे हैं, अब उससे जो वेस्ट ब्लड है वो निकल रहा है, दोबारा से उन्होंने कप लगा दिए हैं ताकि एयर प्रेशर फिर से बन जाए और जो वेस्ट ब्लड है वो थोड़ा जल्दी निकले, और मतलब अच्छे से प्रॉपर एकदम प्रोसेस हो और जो वेस्ट ब्लड है वो अच्छे से बाहर निकल जाए, ताकि बाद में मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। सो भाई, अभी ये एयर प्रेशर में जो लगाए थे कप्स, इन्हें कर रहे हैं रिलीज़, और ये देखो भाई, मतलब काफ़ी डेंजरस से लग रहे हैं, पर प्रोसेस है बढ़िया भाई, मतलब अब देखते हैं क्या होगा। सो भाई, अभी ब्लेड से पंचर कर रहे हैं, जैसे कि दिख रहा होगा कि हल्का हल्का ब्लड आना शुरू हो गया है, और अब ये दूसरे वाले में कर रहे हैं, और ऐसे ही भाई ये पूरा लास्ट तक सारे में होगा। तो जो इंसान पेन सहन कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम है, बाकी हमारे लिए तो मज़े हैं। और...
सो भाई अभी भैया बता रहे हैं कि मतलब विनय भैया कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा नहीं पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना भैया, लेकिन अभी इसमें भैया कह रहे हैं कि अभी तो कुछ पेन नहीं हो रहा, अभी और ज़्यादा पेन होगा, लेकिन ये मतलब कुछ गलत नहीं है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, इससे फ़ायदा ही होना है ठीक है। और जो स्पोर्ट पर्सन हैं जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो स्पेशली ये है ही। सो भाई इस वाले कप को देखो, इसके अंदर आधा ब्लड भर ही चुका है, आधा ब्लड मतलब कि इस कप के अकॉर्डिंग आधा भर गया, इस वाले में भी जो स्टार्टिंग वाले हैं उनमें भर चुका है, बाकी अभी आगे चल रहा है और प्रोसेस। तो भाई अभी स्टार्ट हो गया लास्ट प्रोसेस और भाई कप निकाल दिया है और ये ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। सो भाई जो मेन प्रोसेस था वो हो चुका है डन, अभी भैया बस क्लीनिंग कर रहे हैं और अभी इसके बाद में एक चीज़ और बचती है जो कि एकदम लास्ट में होने वाली है, जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन जो है वो लगना इसमें कंपलसरी है, क्योंकि भाई प्रिकॉशन इज बेटर देन, क्या बताते भैया आपने, बेटर देन क्योर, सो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, इसलिए भाई टेटनस का इंजेक्शन काफ़ी मेन है, क्योंकि भाई ब्लड से जो उन्होंने छोटे छोटे होल किए थे सो वो ब्लेड तो स्टील है, दैट्स वाई भाई टेटनस का इंजेक्शन मस्ट है, सो इसलिए प्रिकॉशन प्रॉपर ले रहे हैं भाई, काफ़ी अच्छे हैं यार। और ये भैया जो कर रहे हैं मतलब बहुत बढ़िया, इनका इंजेक्शन मैं दूंगा सबसे लास्ट में जब टेटनस का इंजेक्शन भी लग जाएगा। सो भाई कपिंग वाला पार्ट डन हो चुका है, अभी भैया उस पार्ट को क्लीन कर रहे हैं जहाँ मतलब कपिंग हुई थी और थोड़े ब्लड के जो निशान बने हुए हैं टॉक्सिन्स वाले, सो वो हो रहा है और टॉक्सिन फ्री कमर हो चुकी है भैया की पूरी। अभी भैया अभी और क्या बच रहा है प्रोसेस में, अच्छा अभी क्लीननेस हो रही है, उसके बाद और प्रोसेस है अभी कुछ हो गया, क्योंकि टेटनस से पहले ये लास्ट प्रोसेस और बचता है, ये भाई मसाजर यूज कर रहे हैं भैया, ये जो मतलब जहाँ जहाँ पर ये कप लगाए गए थे वहाँ पर भैया, इससे मतलब क्या फायदा होने वाला है ये बताओ, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। ओके सो भाई ये जो ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको करेगा इंक्रीज और पेन को रिलीफ करेगा, जो कि भैया बता रहे हैं, मेरे खुद नहीं पता, मैं भैया से पूछ पूछ के बता रहा हूँ सब कुछ ठीक है। बाकी ये प्रोसेस और बच रहा है, इसके बाद में लगेगा टेटनस का इंजेक्शन जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, हम वीडियो बनाएंगे अच्छी सी और फिर भैया चिल्लाना ठीक है ना भैया, चिल्लाना कि लगते चोट। बाकी चलो ठीक है अभी करते हैं कंटिन्यू। सो भाई रियान क्या कहता है, ये जो प्रोसेस भैया करवा रहे हैं ये हमें करवाना चाहिए क्या? दोनों हाथ जोड़ लो, मेरे क्यों बस की नहीं है, मेरा बस ये नहीं है, इसमें गलत थोड़ी हो रहा है, अरे यार देखने में ऐसे लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है तो भैया किसने पटाई कर दी हो, मुक्के तो नहीं लग रहे लेकिन डंडे मारे हो बहुत तेज तेज, हथौड़े हथौड़े डंडे भी हथौड़े, बाकी मतलब बिल्कुल भी नहीं करवाएगा जिंदगी में कभी भी, मैं भी नहीं करवाऊंगा भाई, लेकिन जैसे कि जो भैया है हमारे डॉक्टर साहब भैया वो कह रहे हैं कि कराना चाहिए, और भाई मेरे अंदर तो और ज्यादा गले हैं क्योंकि ऐसा उनका कहना है, अभी उनसे पूछेंगे वो हाथ लगा के बता देंगे जो मेन प्रॉब्लम होती है, बाकी चलो ठीक है भाई अभी फिलहाल चल रहा है प्रोसेस और ठीक है, भैया तो लेटे हुए हैं, अभी भैया को होश नहीं है, भैया बेहोश करे हुए हैं ना, ये लग रहा था सरप्राइज, अभी लगने वाला है भाई टेटनस का इंजेक्शन, भैया तेज लगा ए, ए, और वैक्सीनेशन सेकंड डोज डन, सेकंड बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज ऐसा लग रहा है रियान जैसे कि जिसने एवेंजर का बता दियो, कॉस्ट्यूम पहन रखी है, हाँ ओ भाई मतलब अब ज्यादा तगड़ा लग रहा है, अब तो भैया पूरा ऐसे हो गया, ऐसे देखो ऐसे भैया ऐसे हो गया पूरा ऐसे करके डिजाइन से बना हुआ है, ओ भाई पता तगड़ा लग रहा है भाई, तू करवाएगा क्यों? मेरा साइन है, जब तू ये बोलेगा मैं ये कर दूंगा, अच्छा ठीक है। भैया का नाम डॉक्टर योगराज है और भैया मेन मतलब जो ये प्रोसेस था इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? नहीं इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे से करवाना चाहिए, जिम वाले लड़के हों स्पोर्ट्स के हों कोई करवा सकता है, अच्छा मतलब मुझे भी करवाना चाहिए, हाँ जी स्पोर्ट्स का हुई नहीं करवा सकते हैं आप, करवा सकते हैं मतलब जो स्पोर्ट्स वाले करवाएंगे, मतलब जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते वो कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, रियान वीडियो बना रहा है, रियान भी करवाया कह रहा है मुझसे, मेरा साइन देख लिया होगा सबने वीडियो में, ठीक है
बाकी भाई भैया का कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा नीचे, भैया को कार्ड हो अपना कार्ड दे देना, भैया कार्ड दिखा दे भाई। सो ये भैया का कार्ड है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। और भाई ये कार्ड भैया ले लूं मैं, थैंक यू सो मच, ये कार्ड ले लिया मैंने। और बाकी इसके बाद में बिना भैया का भी इंटरव्यू लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेन तो देखो हमने प्रोसेस नहीं करवाया, हमें नहीं पता क्या फील आई है, तो फुल नॉलेज है इस चीज की। और बाकी मेरे भैया ने करवा लिया है, तो बिना भैया ने करवाया हमने करवाया, एक ही बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात नहीं है, करवाया मैंने। बाकी चलो ठीक है, प्रोसेस काफी अच्छा था, हमें काफी अच्छा लगा, लास्ट वाला पार्ट अच्छा था जो वैसे नहीं थी। बाकी चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, भैया से करो कॉन्टेक्ट, जिन्हें करवाना है डिस्काउंट मिलेगा भाई, 100% तो नहीं बोल सकते, 100% तो फ्री हो जाएगा। आप मेरा नाम बता के आओ, द इंडियन रैम्बलर, भैया को बताना कि भाई तो एक प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा, बाकी भैया आपको बता देंगे आगे की बातें। और भैया ठीक है, और जो आएगा ना मुझे बताना था, तो कोई आया था ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। और बाकी अब सीधा मिलेंगे बिना भैया के साथ, बिना भैया का इंटरव्यू लेंगे। सो भैया जैसे प्रोसेस हुआ था अभी, तो मतलब एग्जैक्टली क्या फील आ रही थी आपको? तब शुरू में लगा था, तब तो बहुत पेन हो रहा था, मतलब हाँ, प्रेशर से भर रहे थे, वैक्यूम भर रहे थे, तो उसमें मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने मतलब खा ली थी। तो वो धीरे धीरे वन बाय वन चलता गया पीछे 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 पीछे, तो मतलब बहुत रिलीफ मिलता रहा, मतलब उसका पेन उसमें कन्वर्ट हो गया, दूसरे में दूसरे का तीसरे में हो गया, जैसे जैसे इन्होंने कपिंग करते गए वैसे वैसे मतलब रिलीफ मिलता गया। लेकिन मतलब जब ब्लेड लग रहे थे वो तो एपिक था, एपिक मूवमेंट। लेकिन अभी बहुत ज्यादा रिलीफ है, मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ करवाया, और कुछ मतलब जो मेरे पेन होता था पहले बैक में, उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ, मतलब फुली सेटिस्फाइड। यस बस फिर तो बढ़िया, विद डॉक्टर साहब, मतलब जो सेटिस्फाई होना तो मेन जरूरी है। बाकी भैया थैंक यू सो मच, है तो डॉक्टर साहब लेकिन हमारे लिए भैया है, क्योंकि इतनी एज नहीं है भैया की इसीलिए। बाकी भैया डिस्काउंट जरूर देना है, क्योंकि मतलब समझ जाओ बस चीज को, मतलब भाई की कुछ मतलब बस समझ जाओ, मैं बाकी बोल ही दिया, मैं आगे भी बोल ही दिया। ठीक है भैया थैंक यू सो मच, और भाई जरूर करवाओ इस प्रोसेस को, मैं तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे काफी डर लगता है इसलिए। अरे मैं नहीं करवाऊंगा भाई, अभी देखेंगे मेरा मन करवाएगा तब हम इसके साथ होंगे। हाँ वो भी बात सही है, मैं भी करवाऊंगा अभी नहीं, थोड़ा कुछ दिनों बाद करवाएं, क्योंकि भाई थोड़ा इंटरेस्ट सा भी आ रहा है, और दर्द शेर के बच्चे हैं, दर्द तो खैर हम सही लेते हैं, बाकी रियान डरता है, रियान बच्चा है छोटा, तो रियान नहीं करवा पाएगा। बाकी चलो ठीक है भाई, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। और भाई डॉक्टर साहब एक बार फिर से